जय हिंद एवरीवन, क्या हाल आप सब लोग का। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन नेवी ने डबल SSR की वैकेंसी रिलीज़ कर दी है, बट अभी तक गाइज इंडियन नेवी MR को लेकर कोई अपडेट नहीं आई नेवी की तरफ से, ना कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। तो गाइज आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी इंडियन नेवी MR की न्यू वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकती है, फिर बात करेंगे कि आपकी लिमिट क्या रहने वाली है न्यू वैकेंसी के लिए, एंड लास्ट में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो गाइज आज की स्टूडियो में हम एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आपको एक एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखाएंगे, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताएंगे। तो गाइज ये देख सकते हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट है SSR का, जो नेवी ने लास्ट टाइम वैकेंसी निकाली थी SSR की। तो गाइज आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगिंस में, तो यहाँ पर दोस्तों हम दिखाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं लिखा है 16/10/2021। जी हाँ गाइज, इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे 16/10/2021, यानी 16 अक्टूबर को इसकी जो वैकेंसी आ गई थी नेवी SSR की लास्ट टाइम। और गाइज बात कर लेते अगर MR की, तो MR की हमारी वैकेंसी कब आई थी दोस्तों, अगर इसका एप्लीकेशन बिगिन आप देखेंगे तो इसमें दोस्तों 29/10/2021। जी हाँ गाइज, इसका वैकेंसी कब आ गई थी आपकी, इसकी आ गई थी 29/10/2021। इनका मतलब दोस्तों पहले 16 तारीख को आपका SSR की भर्ती आई, और दोस्तों 29 तारीख को आपकी आ गई MR की। इसका मतलब दोस्तों ठीक 13 दिन बाद, सिर्फ 13 दिन के गैप के अंदर अंदर दोस्तों आपकी MR की भर्ती जो रिलीज़ कर दी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। तो गाइज इस बार जो आपकी जो SSR की वैकेंसी आई है वो कब आई है, तो गाइज आप ये देख सकते हैं इस बार नेवी SSR की लेटेस्ट वैकेंसी का स्क्रीनशॉट है हमारे पास। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है दोस्तों ये 29 तारीख, जी हाँ गाइज 29 मार्च से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाएं तो अगर आपका दोस्तों अगर 13 दिन प्लस करेंगे तो इसमें आपका लगभग बनेगा 10 अप्रैल। जी हाँ गाइज 10 अप्रैल आपकी डेट बनेगी। इसका मतलब दोस्तों आपकी जो नेवी MR की वैकेंसी के जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो होंगे 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को आपकी जो है MR की नेवी MR की जो वैकेंसी जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 10 अप्रैल को। और इसका दोस्तों हो सकता है नोटिफिकेशन आपको मार्च में देखने को मिल जाए। जी हाँ गाइज, जहाँ तक हमको एक्सपेक्टेड लग रहा है कि आपका जो है नेक्स्ट वीक में आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा नेवी MR का। जी हाँ गाइज, नेक्स्ट वीक में आपको जो है नेवी MR का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइज बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है इस बार नेवी MR के लिए। तो गाइज हम उसके आपके एज लिमिट दिखा देते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं लास्ट टाइम का स्क्रीनशॉट है, इसकी एज लिमिट दोस्तों आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है 1/4/2002 से लेकर 1/4/2002 से लेकर 31/3/2005। जी हाँ गाइज, ऐसा कुछ एज लिमिट लिखा गया है इस बार। तो दोस्तों इस बार जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है, आपको क्या करना है, दोनों में 6+ मंथ्स जो है ऐड कर देने हैं। जी हाँ गाइज, ऊपर में भी 6 मंथ्स ऐड करने हैं, नीचे में भी 6 मंथ्स ऐड करने हैं। तो इस बार जो आपकी न्यू वैकेंसी बन एज लिमिट बनकर आएगी दोस्तों, न्यू एज लिमिट वो क्या रहने वाली है, 1/10। जी हाँ गाइज, 1/10/2002 से लेकर, आप इसको नोट कर लें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1/2/2010 से लेकर 1/10/2002 से लेकर 31/9/2005। यहाँ गाइज ये आपकी जो है न्यू एज लिमिट रहने वाली है इंडियन नेवी MR की। अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं तो गाइज आप जो 100% एलिजिबल होने वाले हैं नेवी MR के लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है गाइज इस बार भी नेवी MR की। अब गाइज बात करते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो गाइज जहाँ तक हमको लगता है इस बार आपका जो एग्ज़ाम फिर से जो है ऑफलाइन हो सकता है। जी हाँ गाइज, ऑफलाइन ही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी जो है SSR का जो एग्ज़ाम ऑफलाइन कराने जा रही है, तो लगभग दोस्तों 99% चांसेस हैं कि आपका जो है नेवी MR का एग्ज़ाम भी जो है ऑफलाइन ही कराया जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग कराई जाएगी 10th के परसेंटेज पे बेसिस पे। इसका मतलब ऑल इंडिया दोस्तों दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग कराई जाएगी प्लस टू के 10th क्लास के बेसिस पे, और जिनके जो दोस्तों ज़्यादा परसेंटेज है 10th क्लास में उनको ही जो है शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा, और उन्हीं बच्चों का जो है रिटर्न प्लस PFT कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें जिसका दोस्तों नाम है डिफेंस विद राहुल। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों हम कोई भी अपडेट आती है नेवी के रिलेटेड सबसे पहले देते हैं। अगर नेवी MR की जैसी वैकेंसी के रिलेटेड कोई भी जो है अपडेट मिलेगी सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।